असलामुअलैकुम, मेरा नाम सैयद मोहम्मद। सैयद मोहम्मद चैनल पर बहुत बहुत खुश आमदीद स्वागत है। जो नए हैं वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। बिहार मदरसा बोर्ड बड़ी अपडेट, यानी कि बिहार मदरसा बोर्ड की तरफ से बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है। मदरसा शिक्षकों को मिला ट्रेनिंग का आदेश, यानी कि आपको ट्रेनिंग में शामिल होना है। दूसरी जो बड़ी अपडेट है 2459+1 को लेकर, आपको पता है कि 2459 वाले का मामला जो है काफ़ी सालों से चल रहा है। फिर से 2459 वालों के लिए काफ़ी बड़ी अपडेट है कि 2 अगस्त यानी कि कल के दिन जो है सुप्रीम हाई कोर्ट में बड़ी सुनवाई होने वाली है। मुझसे काफ़ी लोगों का मैसेज मिल रहा है इंस्टाग्राम पर कि मोहम्मद भाई बताइए क्या हक मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा, क्या मदरसे के असाज़ा किराम के हक़ में सुनवाई होगी या फिर नहीं होगी। तो मैं आपको इस वीडियो में पूरी जानकारी दूंगा, और साथ में जो मदरसा शिक्षकों के लिए ट्रेनिंग का आदेश जारी किया गया वो पहले मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कटिहार ज़िला के मदारिस मुलहिका के फोकल असाज़ा की रिफ्रेश ट्रेनिंग का आगाज़ 2 अगस्त से। अब्दुलसलाम अंसारी, देखिए आपकी जो ट्रेनिंग है 2 अगस्त से शुरू होगी। सभी मदारसा के असाज़ा किराम को कहाँ पर पहुँचना है, यहाँ पर पहुँचना है। रिफ्रेश ट्रेनिंग का प्रोग्राम रखा गया है। इस ट्रेनिंग में कटिहार ज़िला के मुलहिका मदारिस के 50 फोकल असाज़ा के 2 रोज़ा आफातो इंतजाम की ट्रेनिंग का आगाज़ मुरखा 2/8/2024 से होगा, और आपको जो 3/8/2024 तक चलेगा। उसके बाद बताया जा रहा है कि यूथ हॉस्टल फ्रीज़र रोड पटना नज़दीक गांधी मैदान में ट्रेनिंग का सिलसिला रखा जाएगा। यहां पर तामो प्याम दोनों का इंतज़ाम रखा गया है। उसके बाद बताया यहाँ पर जा रहा है कि अगर आपको किसी तरीके की दुश्वारी हो रही है, अगर आपको जानने में कैसे जाना क्या करना है, तो ये वाले नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं 8252037338 पर। आप कॉल करें, आप जो है तफसीली जानकारी आसानी के साथ जो है वहाँ से ले सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं ये सारे मदारिस का जो है नाम को शाया किया गया। अगर आपका ये सब मदारिस में से कोई भी मदारिस आता है, ये आपको देख लेना, ये सब मदारिस है, अगर इसमें से कोई भी मदारिस आते हैं तो आपको जाना पड़ेगा। सिर्फ और सिर्फ कटिहार ज़िला के लिए ये ऑफिशियल जो है जानकारी दी गई है सभी मदारिस के शिक्षकों को। 2 अगस्त यानी कि 2 अगस्त सुबह में, या फिर अगर बहुत सारे असाज़ा किराम जो आज सुबह में आज शाम में पहुंच गए होंगे, या फिर आप कल भी पहुंच सकते हैं। क्योंकि मैं वीडियो थोड़ा सा लेट बना रहा हूं इसके लिए सॉरी, क्योंकि ये वीडियो मुझे सुबह में अपलोड करनी चाहिए, क्योंकि आपको पता है कि जो रूल्स बनाया गया है कि 4 बजे से पहले जो है आपको ट्रेनिंग में शिरकत कर लेना आज के दिन, और आपको पता है कि ये वीडियो जो अपलोड होगी 8 से 9 होगी। बट अगर आप सुबह में जाते हैं तो तब भी आप ट्रेनिंग में आप शामिल हो सकते हैं, क्योंकि ट्रेनिंग आपकी नहीं छूटेगी। उसके बाद थोड़ा सा मैं आपको 2459 वाले का मामला बता देता हूँ कि देखिए 2459 वाले की उम्मीद अगर मैं मुझसे दिल से पूछिए तो कल भी जो केस है वो एक्सटेंड डेट होगा। क्योंकि मैं अंदर के सूत्रों के मुताबिक आपको बता रहा हूँ कि जो मुझे अपडेट यही मिल रही है कि डेट को फिर से एक्सटेंड किया जाएगा। जब तक इलेक्शन करीब नहीं आता है तब तक इसी तरीके से नीतीश कुमार जो है डेट को एक्सटेंड करवाते रहेंगे, हाईकोर्ट एक्सटेंड करता रहेगा। जब इलेक्शन करीब आएगा, जब वोट चाहिए अल्पसंख्यक मुसलमानों से, तब जाकर कोई ना कोई सुनवाई की जाएगी। यही अपडेट निकल कर आई है, क्योंकि मैं पिछले काफ़ी दिनों से लगातार जो है शिक्षकों के कंसल्ट में हूँ, शिक्षकों से बात कर रहा हूँ, मदारिस के हेड मौलवी से बात कर रहा हूँ, सब तरफ से यही एक अपडेट है कि 2 तारीख का भी मामला को एक्सटेंड किया जाएगा। जैसे ही कल कोई फैसला आता है 2459 वाले का, मैं आपके पास सबसे पहले वीडियो बनाकर पहुँचाने की कोशिश करूँगा। जब तक के लिए आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।